यहाँ पर काफी लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर हमारा फोन काफी ज्यादा पुराना है तो हम उसमें अपने फास्ट चार्जर को लगा सकते हैं, हमारे फोन में कोई मतलब दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, हमारी बैटरी तो नहीं फट जाएगी या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो चल हम अपने पुराने फोन में फास्ट चार्जर लगाएं कि हमारा फोन जल्दी चार्ज हो जाए। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत ही जल्दी कहीं जाना रहता है, हम लोगों को बहुत ही अर्जेंट रहता है, तो उसके लिए हम लोग कभी कभी अपने फास्ट चार्जर को लगा लेते हैं। लेकिन काफी लोगों को यह लगता है कि कहीं यार हमारी बैटरी ना फट जाए, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारा फोन खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, हर फोन में वो चाहे पुराना हो या फिर नया हो, उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है, एक ऐसी सर्किट लगी होती है कि जितना भी मतलब आपके फोन को मतलब करंट चाहिए तो वो आपके चार्जर से उतना ही करंट अब्जॉर्ब करेगा, फालतू का कोई करंट नहीं लेगा और आपके फोन को कोई भी मतलब नुकसान नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए आपका फोन काफी ज्यादा पुराना है तो उसमें अगर आप एक फास्ट चार्जर लगाते हैं तो उसमें आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये दिक्कत है, मतलब दिक्कत क्या है कि मतलब नॉर्मली है, आपका फोन जैसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज होता है वैसे ही आपके फोन फास्ट चार्जर से भी चार्ज होगा, उसमें कोई मतलब आप फास्ट चार्जर लगाएंगे तो जल्दी चार्ज नहीं होगा। मतलब काफ़ी लोगों के अंदर ये डर रहता है कि हमारी बैटरी कुछ ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर फोन में ऐसा सिस्टम होता है कि मतलब आपको फोन को जितने करंट चाहिए आपके फोन उतना ही करंट लेगा, फालतू का कोई भी करंट नहीं लेगा। और अगर आप लोग कमेंट करके कहो कि मुझे इस टॉपिक पर फुल डिटेल वाली वीडियो चाहिए, लाइव टेस्टिंग वाली वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।